बहुत वधिया यतन किया जा रहा है कि पराली ना साड़न बारे। मेरा तो निजी तजर्बा पिछले 10-15 साल तो ही पराली कभी साड़ी नहीं, तो यदा एक खास फायदा है कि जो असी पराली उपरू कट्ठी कर लें तो वह पशुओं के चारे का काम भी आती है, तो जी जमीन की उपजाऊ शक्ति जी वाधा होंगे, क्योंकि जिनी खाद आप पाई होंगी है उस बहुत सारी खाद का असर नाड़ च होंगे, तो नाड़ जो पैल चवा दें तो वह खाद जमीन मिलती हैगी। दूसरी गल जो असी रोटावेटर फिरते हैं तो जोड़ा उपर रेंद खूंद आ जाता है वो एक तह बन जाती जिस करके कणक धुक पी है, पर जरा फालतू नदीन है नहीं खुद है इस करके फसल च नदीन भी घट होंगे है, उपजाऊ शक्ति ज़्यादा होने करके चा जरा फसल का झाड़ वो बहुत ज़्यादा मिलता है। तो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट गल, अज पूरे विश्व में वातावरण की समस्या हैगी, इस करके पराली साड़न के नाल वातावरण खराब करने साडा बहुत नैगेटिव रोल होंगे है, इस करके सानू सारे कोशिश करनी चाहिए कि पराली ना साड़िए, तो कोशिश करिए वध तो वध जी पराली हैगी है उन्होंने जमीन के बेच ही मिला दीए ता कि वह खाद का काम दे, जमीन की उपजाऊ शक्ति बहा दे, वातावरण सुधर रहे, तो जोड़े लाभदायक कीड़े मकौड़े है जोड़े फसलों वास्ते वधिया काम करते हैं खुराक तैयार करते हैं वो कीड़े भी बचे रहन कि सारा सिस्टम ठीक हो के उपज वधे। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। थोड़ा लैंसक्रा बेगोवाल वालों जिथे लंबे समय तो झोने की पराली होवे जां कणक की पराली नूं अग ना लगाउण की अपील की जा रही, उत्थे साडे प्रोफैसर साहब सरदार जसवंत सिंह जी जिहड़े साहित्यकार भी ने और उगे लेखक ने बाबा भीम सिंह के गसाए मार्ग ते एक वड्डा उपराला करते हुए अज एक मिशन चलाया गया लैंसक्रा वालों कि पराली का जिहड़ा धुआं जिहड़ा बच्चों लई एक बहुत खिलवाड़ करता है, उसके मंत्र के तहत एक सैमीनार लगाया गया वा क्लब वालों कि लोग जिहड़े पराली नूं अग ला के प्रदूषण फैलाउंदे आ उन्होंने आप अपील करते हैं कि जन जीवन प्रभावित होंगे जिद नुकसान होंगे, असं अपील करते हैं कि आने वाले समय दौरान जी झोने की कटाई होनी है पराली को अग ना लगाई जाए ता जो कि साडा वातावरण दूषित होने तो गंदला हो जाता है तो वह नुकसान पहुँचा है, इसलिए अपील करते कि पराली को जी अग ना लगाई जाए। धन्यवाद। बहुत वधिया यतन किया जा रहा है कि पराली को ना साड़न बारे। मेरा तो निजी तजर्बा पिछले 10-15 साल तो ही पराली कभी साड़ी नहीं, तो यदा एक खास फायदा है कि जो असी पराली उपरू कट्ठी कर लें तो वह पशुओं के चारे का काम भी आती है, तो जी जमीन की उपजाऊ शक्ति जी वाधा होंगे, क्योंकि जिनी खाद आप पाई होंगी है उस बहुत सारी खाद का असर नाड़ च होंगे, तो नाड़ जो पैल चवा दें तो वह खाद जमीन मिलती हैगी। दूसरी गल जो असी रोटावेटर फिरते हैं तो जोड़ा उपर रेंद खूंद आ जाता है वो एक तह बन जाती जिस करके कणक धुक पी है, पर जरा फालतू नदीन है नहीं खुद है इस करके फसल च नदीन भी घट होंगे है, उपजाऊ शक्ति ज़्यादा होने करके चा जरा फसल का झाड़ वो बहुत ज़्यादा मिलता है। तो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट गल, अज पूरे विश्व में वातावरण की समस्या हैगी, इस करके पराली साड़न के नाल वातावरण खराब करने साडा बहुत नैगेटिव रोल होंगे है, इस करके सानू सारे कोशिश करनी चाहिए कि पराली ना साड़िए, तो कोशिश करिए वध तो वध जी पराली हैगी है उन्होंने जमीन के बेच ही मिला दीए ता कि वह खाद का काम दे, जमीन की उपजाऊ शक्ति बहा दे, वातावरण सुधर रहे, तो जोड़े लाभदायक कीड़े मकौड़े है जोड़े फसलों वास्ते वधिया काम करते हैं खुराक तैयार करते हैं वो कीड़े भी बचे रहन ता कि सारा सिस्टम ठीक हो के उपज वधे। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। लैंसक्रा बेगोवाल वालों जिथे लंबे समय तो झोने की पराली होवे जां कणक की पराली नूं अग ना लगाउण की अपील की जा रही, उत्थे साडे प्रोफैसर साहब सरदार जसवंत सिंह जी जिहड़े साहित्यकार भी ने और उगे लेखक ने बाबा भीम सिंह के गसाए मार्ग ते एक वड्डा उपराला करते हुए अज एक मिशन चलाया गया लैंसक्रा वालों कि पराली का जिहड़ा धुआं जिहड़ा बच्चों लई एक बहुत खिलवाड़ करता है, उसके मंत्र के तहत एक सैमीनार लगाया गया वा क्लब वालों कि लोग जिहड़े पराली नूं अग ला के प्रदूषण फैलाउंदे आ उन्होंने आप अपील करते हैं कि जन जीवन प्रभावित होंगे जिद नुकसान होंगे, असं अपील करते हैं कि आने वाले समय दौरान जी झोने की कटाई होनी है पराली को अग ना लगाई जाए ता जो कि साडा वातावरण दूषित होने तो गंदला हो जाता है तो वह नुकसान पहुँचा है, इसलिए अपील करते कि पराली को जी अग ना लगाई जाए। धन्यवाद।